हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज डे फोर है हमारे राइड का लद्दाख के लिए। अभी हम लोग जोजिला पास में रुके हुए थे। जोजिला पास में 0 पॉइंट है, वहाँ पे रुके हुए थे और यहीं पे हमने कैंपिंग कर लिया था क्योंकि आगे जाना रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। हमने अभी गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, सोचा कि यार यहीं पर रुक जाते हैं। सो अभी हमारा ये देखो सामान वगैरह सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। हमने कैंप वगैरह करके सामान अंदर डाल करके स्लीपिंग वगैरह बैग वगैरह में लगा के सो गए थे। हाँ भाई, हाउ आर यू? मॉर्निंग, मेरा फोन दे दो सो देखो सामने का व्यू देखो कैसा है। यहाँ से मैं बाहर अभी जाना नहीं चाह रहा, बट आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कैंप है, सामने एकदम मस्त व्यूज है। अभी बाहर भी चल के दिखाते हैं, एक बार पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी पैकिंग वगैरह कर लिया है टेंट में से। टेंट में से निकलने का बहुत हालत ख़राब हो रही थी, निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह करके जाना है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:10 और ये हमारी बाइक्स है। सो हैरी भी अपना पैक कर लिया पूरा अच्छे से। मेरी बाइक थोड़ी सी, अभी बाइक को मैंने स्विच ऑन कर दिया सो दैट गर्म हो जाए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधे कारगिल। कारगिल से थोड़ा देर कारगिल में स्टे करके वापस हम वापस ट्राई करेंगे ले जाने के लिए। और ये भैया थे हमारे, पूरे रात भर सर्विसिंग में लगे थे। सो रात भर आके पूछ रहे थे कैसे हो, क्या हो, ठीक हो, नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही करते रहना, टूरिस्ट आए तो ऐसे। और ये हमारा जोजिला पास का बोर्ड है, आई थिंक 11,000 फीट पे है, 11,645 फीट पे है वट आई कैन सी। एक बार फोटो भी यहाँ पर हम कर लेंगे और आपको मैं दिखा देता हूँ 0 पॉइंट का कंप्लीट व्यू। ये हमारा जोजिला पास है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीकॉन, जोजिला पास 0 पॉइंट, ये लिखा हुआ है 11,645 फीट। बाकी यहाँ पे ना जब स्नो हो जाती है तो स्नो के टाइम में ये पूरा ना, जब इस रोड पे करीब 10 फुट मतलब इतना स्नो रहता है रोड पे, और यहाँ से स्कीइंग होती है सीधे वहाँ तक जाती है। आपको जो आपको पानी दिख रहा होगा वहाँ पे, ग्लेशियर का दिख रहा होगा थोड़ा सा, वहाँ तक जाती है। पूरा वैली है, पूरा भरा रहता है इससे, स्नो से। आपको दिखा दूँ ये भाई पूरा एकदम बेचैन है आगे बढ़ने के लिए, इसको बस घर पहुँच जाना है जल्दी, हरिद्वार, है ना। तो ये वैली है, यहाँ पे आके अभी आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। हमने सोचा कि यार रात में जाकर वहाँ पे कैंपिंग करते, लेकिन दिक्कत ये थी कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, प्लस खाना वाना खाने आने के लिए ना वापस जाना पड़ता है। और यहाँ पे था कि इसके वजह से हवा ब्लॉक हो गया था और हवा ऐसे चल रही थी। सो थोड़ा सा हमें आराम मिला और रात में हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी क्योंकि स्लीपिंग बैग हमारा काम कर गया। सो देखते आगे का, आगे स्लीपिंग बैग काम कर पाता है नहीं, बट अभी तो काम कर पा गया। सो चलो एक बार दोबारा मिलते हैं आपको रोड पर। अब यहाँ से हम निकलते हैं 0 पॉइंट सीधे कारगिल द्रास होते हुए। चलो गाइस निकलते हैं 0 पॉइंट से सीधे। बाय बाय भैया, अब हम यहाँ से निकलेंगे कारगिल। थोड़ी सी आज मैंने पैकिंग डिफरेंट तरीके से की है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और हेलमेट का ये भी मैंने चेंज कर दिया, क्या कहते हैं, ग्लव्स भी मैंने चेंज कर दिया है। अभी हम लोग 0 पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से एक्चुअली रोड अच्छी हो जाएगी, 2 किलोमीटर बस रोड ऐसी है, मतलब ऐसी। ये भी रोड ख़राब थोड़ी है यार, बहुत अच्छी रोड बनाया उन्होंने जो जिला पास में। सो ये देखो यहाँ पे, थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला एट एल्टीट्यूड, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 11,649 फीट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ये प्रोजेक्ट बीकन, दैट वॉज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अभी इन्होंने रिसेंटली बनाया है, ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पहले बनाया है। तो 11,649 फीट के ऊंचाई पे हम लोग हैं और अभी और हमें ऊंचाई चढ़ना है, अप्रॉक्सीमेटली 15, 18, 20 पता नहीं कितने थाउजेंड फीट पे जाने वाले हैं। अभी कोई प्लान नहीं है, प्लान हम बनाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्लान बनाएंगे। जैसे कल हमारा सोनमर्ग के प्लान था लेकिन हम रुके जोजिला पास में तो वैसे ही हमारी आगे की प्लानिंग होगी। कोई पता नहीं है भाई कब कब कैसी प्लानिंग हो जाएगी। अब यहाँ से ले निकलना है एक्चुअली आज ही, 8 बजे निकले हैं, शाम के शायद 6-7 बजे तक हम लोग ले पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी हल्की सी रोड ख़राब है, दिक्कत भी हो रही मुझे ग्लव्स ये वाले मोटे वाले पहन करके चलाने में, लेकिन ज़रूरी है भाई। ओ भाई देखो, अब अभी तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चढ़ाइयाँ आने वाली है, उतरने वाले इंक्लाइंड आने वाले हैं। गुमरी यहाँ से अभी 1 किलोमीटर ओनली रह गया, कल हमने सोनमर्ग से निकले थे तो गुमरी ही हमें प्लान किया था हमने आने का, लेकिन गुमरी पहले हम 0 पॉइंट पे रुक गए।
एंड आई थिंक ये हमारा बेस्ट डिसीजन था, कैंपिंग करके मज़ा आया कल। इधर तो और अच्छे से कैंपिंग कर सकते थे, लेकिन वही प्रॉब्लम एक थी कि अम्यूनिटीज़ की, कि कुछ अगर सामान वामान लेना है, खाना है, तो वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती यहाँ पे, वरना प्लान तो यहीं था। अगर खाना बनाने का हमारा प्लान होता ना, तो शायद हम लोग कैंपिंग यहीं पे करते हो। ये लोग कह रहे थे कि भालू आते हैं दिस साइड, लेकिन घंटा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। अभी हम लोग पहुँच गए गाइस घुमरी, घुमरी यहाँ पे आर्मी बेस भी है, सारे आर्मी वाले यहाँ पे रुकते हैं, सो अगर कुछ दिक्कत होती तो हम यहाँ भी आ सकते थे। देखो आर्मी के सारे ट्रक्स हैं यहाँ पे, ये लोग एक साथ निकलेंगे, जोजिला पास क्रॉस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस माई मैन। अब ये एक साथ निकलेंगे ये लोग जोजिला पास, जब जोजिला पास निकलेंगे तो पूरी ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी इनकी। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जोजिला पास अगर आप अर्ली मॉर्निंग क्रॉस करके देन इट्स गुड, वरना ये हाल होने वाला है। ओ भाई साहब, बैंड बजने वाली है सबकी, पता नहीं कब पहुँचेंगे ये लोग। अब समझ में आई कुछ? अब इस भाई को कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा? हेलमेट तो पहले बंद करो यार, बहुत धूल आ रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आती यार, कैसे रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। पता है भाई जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो ये पूरा बन रहा है, तो टनल का ही वर्क चल रहा है, कैसे गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया, पलट गया बेचारा पूरा। सर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, टेस्ट भी कराना है? कौन सा सर? हाँ वहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होता है सर? एंट्री होगी, टेस्ट वहाँ पे होगा। हमारे पास एंटीजन है लेकिन कल का है वो। अभी हम लोग पहुँच गए कारगिल के एंट्री पॉइंट पे, अब यहाँ पे एंटीजन टेस्ट होगा, उसके बाद आगे निकलेंगे। पीछे में थोड़ा सा टेस्ट होता है, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे जाना है। चलो यहाँ पे भी टेस्ट होता था शायद, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी बंद कर रखा है। देखो जैसे हाथ लगाने का पूरा काउंटर बना रखा है। यहाँ पे टेस्ट होगा, तो वहाँ से टेस्ट करके पुल के फिर आपको यहाँ पे इस साइड एंट्री करना पड़ेगा। वहाँ कोई था ही नहीं, तो हमने रोका ही नहीं, हम वापस जा रहे हैं। क्या? हाँ तो रजिस्ट्रेशन में वो तो टेस्ट तक मांग रहे हैं ना। चलो भाई तुम अब तुमसे तू पूछिए साले, मैं इतने पूछूंगा सर। तो यहाँ पे अब एंटीजन नहीं होगा, आरटीपीसीआर सर? और कोई उपाय तो है? सो अभी मैंने यार कारगिल हम लोग एंट्री पॉइंट पे थे, कारगिल जैसे आप जोजिला क्रॉस करते हो, जीरो पॉइंट क्रॉस करते हो, तो कारगिल के एंट्री पॉइंट आएगी, गेट आएगा, वहाँ पे आपको आरटीपीसीआर मैंडेटरी कर रखा है इन्होंने कि आरटीपीसीआर चेक करना पड़ेगा। विदाउट आरटीपीसीआर दे आर नॉट अलाउंग टू गो, एंटीजन इनके लिए वैलिड नहीं है। लेकिन हमने फिर बात किया क्योंकि डबल वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी है ही, और ले में ऑलरेडी डबल वैक्सीनेशन पे आपको एंट्री दे रहे हैं, अब आरटीपीसीआर की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो उस केस में हमें अब करना क्या है कि हम फिर बात किए बहुत, और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग थे, उनका भी आरटीपीसीआर नहीं था, तो उनके साथ हम लोग रोक रखा था। उनको हमें तो अलाउ कर रहा था जाने के लिए, लेकिन ना उनके साथ अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग फिर ऑब्जेक्शन क्रिएट करते। तो
कैसे कैसे करके हमने बात किया, बैकडोर से हमने मुहर लगवाया अपने हाथ पे, और उसके बाद हमने एंट्री ले लिया। सो फाइनली विदाउट आरटीपीसीआर वी एबल टू एंटर कारगिल। ऑल राइट, सो हम लोग पहुँच गए हैं अभी द्रास में। ये द्रास का एरिया है, 0 पॉइंट से द्रास का एरिया जो मतलब रोड है वो कंडीशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। मतलब 80 की स्पीड में चला रहा था बाइक, एकदम आराम से भाग रही थी रोड, एकदम प्योर स्मूथ रोड है, नो विद नो पॉटहोल्स आर नथिंग एल्स, कहीं भी डैमेज नहीं है रोड, रियली लुक्स कूल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। एक्चुअली हम लोग 9 बजे ही पहुँच गए थे, टाइम लग गया हमारा इसमें कारगिल के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे, तो उसको थोड़ा सेटलमेंट करने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे पराठे खाए। अगर आप पराठे खाने आते हो तो शानू ढाबा में रुकना, यही पराठे खाना, बहुत अच्छा है पराठे, ठीक है। आंटी बहुत अच्छा बनाती है, देहरादून की आंटी हैं और पराठे बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप आना तो बिल्कुल यहीं पे शानू ढाबा में। आपका यहाँ पे देख लो ऐसे एरिया है, ये वाला बड़ा वाला होटल उसके जस्ट पहले है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप आकर के खा सकते हो खाना। इनका ब्रेकफास्ट मतलब पराठे तो यार बहुत अच्छे लगे, पराठे और पुदीने की चटनी बहुत बढ़िया था। अभी हम लोग द्रास में हैं, अब द्रास से यहाँ से कारगिल निकल रहे, कारगिल आई थिंक ये 1.5 घंटे का रास्ता होगा मैक्स। यहाँ पे द्रास में एक बढ़िया सा होटल भी है, आप इस होटल में भी आप आ सकते हो और रुक सकते हो। इस होटल का नाम है, पता नहीं नाम तो समझ नहीं आ रहा इसका, अच्छा डीमिडोज, ये इसकी बोर्ड लगी हुई है, आपको जो जिला क्रॉस करोगे तो आपको हर जगह बोर्ड दिखेंगी डीमिडोज की, और वाईफाई वगैरह है यहाँ पे, तो आप आराम से वाईफाई यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स अपडेट। अभी हम लोग पहुँच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, कारगिल यहाँ थोड़ा सा आगे है, लेकिन कारगिल वॉर मेमोरियल है, सारे यहाँ बाइकर्स रुके हुए हैं, हम भी थोड़ा सा यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। अंदर शायद अभी अलाउड नहीं है जाना, बट लेट्स सी। सो ये हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए पार्किंग है आपका यहाँ पे, अंदर विजिटर्स अलाउड हैं, लेट्स सी। सो अभी हम लोग आ गए कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास से आपको आई थिंक 10 किलोमीटर आप कवर करोगे तो कारगिल वॉर मेमोरियल में आप एंटर कर जाओगे। सो यहाँ पे आपको बताया तो करना क्या है, सो दिस इज द एंट्रेंस, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। एंट्री में दो रजिस्टर्स हैं, एक आपको आप कितने लोग हैं एंड योर डिटेल्स, एंड इफ़ यू आर कैरिंग ए कैमरा सो आपको कैमरा के साथ जाना पड़ेगा। सो दिस इज द एंट्रेंस, आप ऐसे आगे जा सकते हो। पूरी कारगिल वॉर मेमोरियल है, आपको यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल का एक काइंड ऑफ वीडियो भी दिखाते हैं, अगर आपको दिखाना है देखना है तो वीडियो देख सकते हो, वॉर की वीडियो है और 10-15 मिनट की वीडियो है, 100 रुपये चलते हैं और आप देख सकते हो। ये पूरी व्यू है कारगिल वॉर मेमोरियल की, यू सी इट, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी है लाइक आप बैठ नहीं सकते यहाँ पे, आपको रोड के लेफ्ट एंड राइट में ही चल चलना है आपको। एंड दिस इज मेक 21, ये देखो हमारी तोपे हैं जिसके जैसे मारा था, और पूरी कारगिल सेक्टर को कब कैप्चर किया गया था। हरी कैसा लगा कारगिल वॉर मेमोरियल? बढ़िया, हट ऑफ रिमेम्बरेंस भी है, वहाँ भी जा सकते हैं, पता नहीं जा सकते नहीं जा सकते हैं। अच्छा वहाँ VIP के लिए, ओके। ये देखो देखा हुआ डेवलप्ड बाय द अर्मानेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट RDE फैक्ट्रीज, ओके। होवेजर इज अ लाइट वेट एंड कैन इजिली बी डिसेम्बल्ड इनटू स्मॉल यूनिट्स, इट कैन आइदर बी ट्रांसपोर्टेड बाई म्यूल्स इन माउंटेन्स और कैरीड बाई अंडर स्लंग बाई माउंटेन्स हेलीकॉप्टर्स। द वेपन सॉ इंटेंस एक्शन इन 1974 एंड जस्टिफाइड इट्स एग्जिस्टेंस इन ऑपरेशन विजय इन 1999। द वेपन सिस्टम रैटल्ड द एनिमी रेनिंग फायर एंड एक्सप्लोसिव्स अराउंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। लेते हैं अभी यहाँ पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये भी देखो एक नया, इसके बारे में भी है, सो यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ लो, डेवलप्ड बाई द ARDE होवेजर इज अ लाइट वेट एंड कैन ईजिली, सो बेसिकली सेम ही है दोनों होवेजर, और इसी से पाकिस्तानी सेना की बैंड बजा दिया था। ये वो भी है होवेजर का भी, वो आई थिंक बड़ा वाला वर्जन है, इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, जा सकते हैं शायद, नहीं नहीं जा सकते अभी रेड वाले पे, ओके लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं, वीरभूमि जा रहे हैं। ये सारे हमारे
कारगिल वॉर मेमोरियल के जितने भी वो थे योद्धा थे उनके बारे उनके वो है रिमेम्बरेंस में लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, आप जरूर आप जब द्रास से आप क्रॉस करो तो कारगिल वॉर में मेमोरियल तो जरूर रुको। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी पास में आ जाएगा, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस। जितने भी हमारे वॉर फाइटर्स हैं उनके रिमेम्बरेंस में है उनके। आपको कुछ लोगों के बारे में दिखाया था, इन मेमोरी ऑफ नंबर लांस नायक एल उमा माहेश्वर राय और 122 इंजीनियर्स हु मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस वाइल सर्विंग द नेशन ऑन 18 जुलाई 2020। अच्छा, जैसे जैसे उनका सब सैक्रिफाइस होता है यहाँ पे उनका वो लिखा जाता है, क्या कहते हैं, काइंड ऑफ स्टोन्स बनते हैं, उसके बाद हमारे जितने भी जवान के काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं बैटल ऑफ जोजिला इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। सो जम्मू एंड काश्मीर कैंपेन ऑफ 1947-49 वॉज इंडियाज आर्मीज लॉन्गेस्ट मोस्ट हार्ड फॉट वॉर। इसमें द रॉल ऑफ ऑनर वॉज 3 जैट 4 राजपूत माराथाली, ओके माराथाली साइम समथिंग फ्रॉम बैंगलोर, 7th लाइट कैवलरी, जे एन के राइफल इन्फेंट्री, पटियाला पैरा ब्रिगेड, रॉयल गुरखा, पटियाला 15 पंजाब रेजिमेंट का ये है, उनका यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लो अच्छे से पढ़ लो। उसके से हमारे कैप्टन वो कैप्टन भी विक्रम बत्रा का वहाँ पे वो लगा हुआ जहाँ पे कारगिल पे उन्होंने फतह किया था। सो उसका वो है क्या कहते हैं सर, वो कौन सा पॉइंट था, कौन सा सर, ये टोलोलिंग है सर, सामने देख रहे हो ना सर, वो टोलोलिंग। अच्छा, टोलोलिंग क्या, 0.5140 आता है किधर उसके पीछे। अच्छा ओके सो ये तोलोलिंग पॉइंट है, यहीं से फर्स्ट हुआ था, उसके बाद 0.5140 है जो कि विक्रम बत्रा में यहाँ से चढ़े थे, मतलब यहाँ से नहीं चढ़े थे, वो चढ़े थे कहीं और से और पीछे वो कैप्चर किया गया था। सो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक आ गई थी एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली आर्मी हमारी रुकी हुई थी, ऊपर से गोले बरसाने स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसके बाद हमने वापस रिटेलिएट करा एंड जब रिटेलिएट करा तो फिर पाकिस्तान की बैंड बज गई। बैटल ऑफ ऑनर जोजिला एंड कारगिल, सो जोजिला की भी लड़ाई हुई थी, कारगिल की भी लड़ाई हुई थी, जे एन के लेफ्टिनेंट कर्नल AS पस्त पठानिया, द ब्रेव हार्ट्स ऑफ 1/5 रॉयल गुरखा फॉर राइफल्स हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द मदर नेशन राइटलेसली फाइंड प्लेस इन द हेवंस। फ्लैग रोड चेंज होता है, ये है तोलोलिंग पिक और ये हमारा नेशनल फ्लैग है, वी गोना डोनेट फॉर द नेशनल फ्लैग। The reason behind our flying Indian flag is not the wind behind it, but it is the breath of each and every soldier which keeps it flying high. Kargil Vijay Divas. Uske sath hamare Captain Vikram Batra ka yahan pe PVC posthumous PVC, Captain Manoj Pandey, Rifleman Sanjay Kumar, GDR Grenadier I don't know, Yogendra Singh. So inhone hamare shahid विजय दिलाया सब परम वीर चक्र इनको अवार्ड मिला था एंड इन्होंने ही कारगिल फतेह की थी। सो ऑल सैल्यूट टू दीज गाइस। अभी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं इनको एक्चुअली देख रहा हूँ एंड व्हेन आई एम एक्चुअली रीडिंग द न्यू रिपोर्ट्स द गूज बम्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉर एंड द मेमरीज। चलो मिलते हैं कारगिल में।